क्या मणिपुर पर राष्ट्रवाद हावी हो गया है? क्या देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप्पी नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि लगातार देखा जाए तो मणिपुर की बेटियों ने देश के प्रधानमंत्री से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। यहाँ पर बेटियों का ये भी कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और तमाम भाजपा पार्टी के नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो बेटियों का ये भी कहना है कि भाजपा पार्टी के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, इस प्रोटेस्ट के दौरान बेटियों का क्या कुछ कहना है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। हालात अभी बहुत खराब है, स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने टाइम पे अपना काम नहीं किया। सरकार को बस पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। देखिए, अभी तक अगर उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया होता, अपना काम कर लिया होता, तो एक दो दिन स्थिति ठीक हो जाता, इतना बदतर नहीं पहुँच जाता। तो अभी तक स्थिति बहुत खराब है, अभी भी हम रेफ्यूजी लाइफ जी रहे हैं। वी आर फीलिंग सैड, बहुत बुरा। एज एन इंडियन हमें फील नहीं होना चाहिए ऐसा कि हम नेग्लेक्ट किए, लेकिन उन्होंने हमें कोई ध्यान ही नहीं दिया। पूरे मोर देन 2 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन उनका ऐसा छोटा मोटा स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, छोटे मोटे रिस्पॉन्सेस आए हैं, तो एक उसकी हम बहुत नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारे लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों हमें ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं? आई थिंक आप सबको पता है, उनको बस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई काम नहीं है, बस उनको बस पावर चाहिए। अगर आप सच में हमको भारतवासी समझते हो, अगर आप हमको इंडियन समझते हो, तो कब का आप लोग स्टेप ले चुके होते, और ये हिंसा भी कब का खत्म हो जाता। मणिपुर सबसे पहले जब भी वो शुरू हुआ था, उनको जाना चाहिए था, लेकिन उनको तो विदेश का समस्या सॉल्व करना है ना, उनको हमारे भारत का समस्या का कोई ध्यान ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे प्रधानमंत्री जी। स्मृति ईरानी जी को अगर कुछ बोलना है तो फिर उनको मणिपुर जाके बोलना है। एटलीस्ट ओपोजिशन पार्टी वर देयर फॉर अस, वी वर फीलिंग सेफ, वी वर फीलिंग प्रोटेक्टेड। राहुल गांधी जी ओपोजिशन की पार्टी, फिर भी हमें सेफ फील हुई थी जब आई थी वो, लेकिन स्मृति ईरानी को क्या घर में बैठ के स्टेटमेंट देना है? ऐसा कौन काम करता है? ऐसा कैसा राजनीति है ये? गुस्सा तो अभी इन पॉलिटिशियंस से बहुत सारे गुस्सा है, हम बोल भी नहीं सकते कि हम कितने दर्द में है, क्योंकि जब हमें बहुत जरूरत है उनकी मदद की, वो लोग खुद अपने सीट पे बैठ के आराम से ट्विटर चला रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्चुअली काम ही नहीं कर रहा। तो बहुत गुस्सा भी है हमारे हमें उनके ऊपर। अगर हम हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते तो हमारे स्थिति का इतना बदतर, हमारा स्थिति इतना बदतर नहीं हो जाता, हमारा ये कब तक खत्म हो जाता ये हिंसा? और जो अभी तक हम मांग कर रहे हैं, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, वो कब का हमें मिल जाता? वो काम कर रहे होते, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं है, अभी तक लोग मरेंगे अगर वो लोग जल्दी एक्शन नहीं लेंगे। तो इलेक्शन में ऑब्वियसली देखो, तभी जब इलेक्शन का वो नाम इलेक्शन डेज आ रहे हैं, तभी वो थोड़े थोड़े बात करने लग रहे हैं, वरना अभी तक तो पता है, हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पर मेहते और कुकी समाज की बात तो की गई है, लेकिन यहाँ पर एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग भी की गई है। भाजपा पार्टी को लगातार घेरा गया है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद भी एन बीरेन सिंह ने अभी तक इसको तय नहीं कर पाया है कि कुकी और जो मेहतई समुदाय है उसका विवाद क्या है। लगातार जो है यहाँ पर एन बीरेन सिंह शांत नजर आ रहे हैं, तभी यहाँ पर जो है देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई जा रही है कि आप लगातार जो है यहाँ पर एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लें। देखना यह पड़ेगा कि इन बेटियों की आवाज को क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।